अरे रे रे, आईमा मर गई रे। मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है। अबे ओए जग्गू, कहाँ मर गया? जल्दी धरा। आईमा लत गई ले। ये माँ भी ना पता नहीं इतना क्यों चिल्लाती रहती है। माँ की आवाज सुनकर जग्गू घर के अंदर आता है। क्या हुआ माँ, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे जग्गू, मेरा सर। क्या हुआ माँ, तिल थल तो अपनी दादा पर ही तो है, या तो तिलिया तिले थल पल बैठ गई। मेरा यहाँ सर दर्द से फटा जा रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मजाक तो तुमने बनाता लथा है धल में मेला। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अगर मैं इस बिस्तर पे ना पड़ी होती तो आज तू मेरे हाथों से ना बचता। चल अब जा और वैद्य जी से मेरे लिए दवा लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी तेरे लिए दवाई लेता लाता हूँ। फिर जग्गू की माँ उसको कुछ पैसे देती है और जग्गू दवाई लेने चल देता है। पंथी बनू उल्टा फिलू मत ददन में, आद में आदाद हूँ दुनिया ते तमन में। अरे भाई, जरा एक मिनट मेरे पिंजरे को पकड़ोगे, बहुत जोर की लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो मुझे पिंजरा दे दो। फिर वो व्यक्ति जग्गू को पिंजरा पकड़ा कर झाड़ी में हल्का होने के लिए चला जाता है। अरे ये तोता इतना फलफला क्यों रहा है? लगता है तो पिंजरे के अंदर घुटन हो लिया। ऐसा चलता हूँ, तोते तो अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। जग्गू जैसे ही उस पिंजरे का दरवाजा खोलता है, तोता आसमान में उड़ जाता है। अबे वो तोते कहाँ डाला है मेरे पाथा? नहीं नहीं तो वो आदमी मुझे थोले दा नहीं। हे भगवान, मैंने ये क्या तल दिया। अरे मेरा तोता कहाँ गया? अरे भैया, तोते तो पिंदले में धुतन हो रही थी, इसीलिए मैंने पिंदले का दलवादा थोल दिया और तोता उल दिया। अबे साले, ये तूने क्या कर दिया, मेरे 2000 के तोते को उड़ा दिया। घुटन तो अब तुझे होगी। रुक, तुझे भी आसमान की सैर कराता हूँ। अरे भैया मुझे मत मालो, मुझे थोल दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई मां लगता ही रहे, प्लीज मुझे थोल दो। फिर वो व्यक्ति जग्गू की पिटाई करके चला जाता है। भलाई तो दमाना ही नहीं रहा। अरे नहीं, मुझे माँ के लिए दवाई भी लेने दाना है। अरे वैद्य, जल्दी से मुझे दवाइयाँ दे दीजिए, मेरी माता बहुत तेज थल दुख रहा है। क्या कल वाली दवा पी ली थी? अरे नहीं वैद्य, दवा तो एकदम लाल थी। अबे गधे, मेरा मतलब तुम्हारी माँ ने दवा को पी लिया था? हाँ वैद्य, लेकिन उस दवा से भी उनका थल दुखना बंद नहीं हुआ। इस दवा को तेरी माँ को पिला देना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। फिर जग्गू वो दवाई लेकर घर आ जाता है। ये ले माँ, इस दवाई तो पीतर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर जग्गू की माँ वो दवाई पीकर सो जाती है। ए जग्गू, जल्दी उठ, देख तो कौन आया है। अरे माँ क्यों उठा लियो, क्या मोदी जी आए हैं प्रताप के लिए? क्यों रे जग्गू, अब सोता ही रहेगा कि अपने दोस्त से भी मिलेगा? अले भोंदू, तू तब आया जब तू खर्राटे मारकर सो रहा था तब। चल भोंदू, तुझे मैं अपना दांव दिखाकर लाता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ओए जग्गू, बाहर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें जाकर धो दे। माँ तम से तम मेरे दोस्त के सामने तो मेरी बेइज्जती मत कर। अभी मैंने बेइज्जती की कहाँ है? अब कपड़े धोने जाता है कि मैं अभी तेरे लिए चप्पल उठाऊं? भोंदू तू यहीं बैठ, मैं अभी तपले धोता लाया। अरे नहीं जग्गू, मैं भी तेरे साथ काम में हाथ बटा देता हूँ। फिर जग्गू और भोंदू नदी पर कपड़े धोने चले जाते हैं। अले भोंदू, क्या तुझे तपले धोना आता है? अरे कपड़े धोना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब तू नंगा घुमा करता था ना तब से मुझे कपड़े धोना आता है। अच्छा तो तू ताम तल, तू ये थाले तपले धो, थोड़ी देर में पेलते नीते धप्पी ले लेता हूँ। ठीक है जग्गू, तू आराम कर, मैं ये सारे कपड़े धो देता हूँ। भोंदू कपड़े धोने लगता है और जग्गू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, कपड़ों को ये खूब चमकाए। ओ निर्मा, ओ निर्मा, ओ निर्मा, निर्मा, निर्मा। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कूटने के चक्कर में कपड़े तो फट गए, अब ये जग्गू मुझे छोड़ेगा नहीं। आज तो बली अच्छी नींद आई। फिर जग्गू भोंदू को आवाज लगाते हुए कहता है। अबे ओए भोंदू, क्या थाले तपले धुल गए?
अरे रे रे, जग्गू तोड़ गया, अब इसको क्या जवाब दूंगा। हाय लाम भोंदू, ये तूने त्या दल दिया, थाले तपले भाल दिए, अब माँ मुझे थोले दी नहीं। यार जग्गू, ज्यादा कूटने के चक्कर में कपड़े फट गए, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अले तलना त्या, इन तपलो तो ले तल माँ के पास थल, अब दो होगा दे था दाएगा। ओए जग्गू, धुल गए सारे कपड़े? अरे मौसी जी, कपड़े तो सारे फट गए। क्या, कपड़े फट गए? लेकिन कैसे? जरूर इस जग्गू के बच्चे ने कुछ किया होगा। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने तुझ नहीं दिया, मेरी तो ही गलती नहीं है। अरे मौसी जी, इसमें जग्गू की कोई गलती नहीं है, वो रास्ते में एक बंदर ने हमसे सारे कपड़े छीन लिए और उनको फाड़ दिया, बस ये बच्चे कुछ कपड़े आपके पास लाए हैं, क्यों जग्गू? हाँ माँ, भोंदू बिल्कुल थई तहलाए। उस बंदर की ये मजाल, अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। अब माँ तो दौन थमदाए कि कपड़े बंदर ने नहीं भोंदू ने फाले हैं। आज तो मैं बाल बाल बचा। यार जग्गू, घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, चलना कहीं बाहर चलते हैं। मन तो मेला भी बाहर दाने था, लेकिन अदल माँ ने देख लिया तो बहुत माले दी। जैसे ही मौसी जी रसोई में जाएंगी, हम तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर जग्गू की माँ कुछ काम से रसोई में जाती है, इतने में ही जग्गू और भोंदू घर से भाग जाते हैं। अरे जग्गू, वो देख आइसक्रीम वाला, चल आइसक्रीम खाते हैं। अरे यार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग तो है ना, मैं उस आइसक्रीम वाले को अपनी बातों में लगाता हूँ, और तू झट से दो आइसक्रीम निकाल लेना। वो थप तो ठीक है, लेकिन अदल उतने हमें ये थप तलते हुए देख लिया तो वो हमारी आइसक्रीम बना देता। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू बिना फालतू में ही डरता रहता है। आ बोलो भैया, कितनी आइसक्रीम दे दूं आपको? अरे भैया, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करिए। ऐसे कितना कमा लेते हैं आप आइसक्रीम बेचकर? अरे भैया, थोड़ा बहुत घर की रोजी रोटी चल जाती है। भोंदू आइसक्रीम वाले को अपनी बातों में लगाता है और जग्गू आइसक्रीम निकालने लगता है। अरे बस, तो मुझे इसके अंदर से निकालो, बहुत तेज ठंड लग रही है इसके अंदर। जग्गू की आवाज सुनकर आइसक्रीम वाला पीछे मुड़कर देखता है। क्यों रे, तू मेरी गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है? अरे मर गए, इस जग्गू से एक भी काम ढंग से नहीं होता। अरे भैया, मुझे यहाँ से निकालो, बहुत तेज ठंड लग रही है। अच्छा, तो तू मेरी आइसक्रीम चुराने आया है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। अरे भैया, मुझे मत मालो, ये सब मुझे भोंदू ने तलने के लिए बोला था। अच्छा, तो तू बच के कहाँ जाएगा बच्चू, तू भी थोड़ा प्रसाद ले ले। अरे भैया, हमें छोड़ दो, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, अरे कोई बचाओ। फिर वो आइसक्रीम वाला जग्गू और भोंदू को कूट कर वहाँ से चला जाता है। अबे थाले भोंदू, मैंने तुझसे पहले ही मना दिया था, लेकिन तेरे थमत में आए तब ना। लेकिन मैंने तुझसे ये थोड़ी कहा था कि तू उसी गाड़ी में गिर जा। चल अब छोड़, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। जग्गू और भोंदू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर झिंगुर और मोटू आ जाते हैं। और जग्गू कैसा है, और तेरे साथ ये कौन है? अले धींगुल, ये मेरी मौती था ललता भोंदू है, अब हम बचपन से ही साथ में थेले तूदे, और कुछ दिन ये मेरे धन लुटने आया है। फिर वो चारों आपस में गुटरगू करने लगते हैं। यार जग्गू, बातें बहुत हो गई, मुझे तो अब बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार धींगुल, अब लेकिन क्या करें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। झिंगुर कुछ देर सोचता है और फिर उन तीनों से कहता है। मेरे पास एक आइडिया है, हम तीनों रामू काका के आम के बगीचे में चलते हैं, वहीं चारों बैठकर आराम से मीठे मीठे आम खाएंगे। अरे नहीं नहीं, पिछली बार याद है ना, लामू ताता ने हम तो पेड़ पर उल्टा लटका कर मारा था। पिछली बार हम पेड़ पर से उतर नहीं पाए थे, बस इसीलिए रामू काका ने हमको पकड़ लिया था, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस बार मैं पेड़ पर नहीं तलूंगा, याद है ना पिछली बार पेड़ पर से उतरते थे मैं, मेरी पैंट फट गई थी और माँ ने मुझे बहुत टूटा था। जग्गू की ये बात सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। बहुत मजाक हो गया, अब हमें चलना चाहिए। सुनो, मैं और भोंदू पेड़ पर चढ़ेंगे, जग्गू आम उठाकर एक थैले में रखेगा और मोटू निगरानी करेगा। फिर वो चारों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अले वाह वाह, इतने अच्छे आम हैं,
एताम थातल देखता हूँ। आम फलोता लादा है और दग्गू पुले दावता महलादा है। अले वाह, मैं तो थायर बन गया। अरे भागो भागो, रामू काका आ रहे हैं। मोटू की ये बात सुनकर झिंगूर और भोंदू पेड़ की डाल में छिप जाते हैं और मोटू वहाँ से भाग जाता है। अबे जग्गू भाग, रामू काका आ रहे हैं। क्या रामू ताता आ रहे? अबे दद्दू भाग, नहीं तो लामू ताता तुझे आज थोलें दे नहीं। अबे जग्गू, भागता कहाँ है, रुक तेरे आम तो लेते जा। भागते भागते जग्गू एक पत्थर से टकरा कर वहीं गिर जाता है। अब कहाँ भागेगा तू, पिछली बार मैंने तुझसे मना किया था ना, लेकिन तेरे समझ में कहाँ आता है। अले लामू ताता, मुझे थोल दो, वो बहुत तेज भूत लग गई थी, इसीलिए आपके थोले थे आम था लिए। अच्छा, भूख लगी है तो घर जाकर खाना खा, तुझे मेरे ही आम मिलते हैं खाने को। फिर रामू काका जग्गू को घसीटते हुए उस पेड़ की ओर ले जाते हैं जहाँ पर झिंगुर और भोंदू छिपे होते हैं। अरे भोंदू, ये रामू काका तो जग्गू को लेकर हमारी ही ओर आ रहे हैं, कहीं अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हमारा भी वही हाल होगा जैसा जग्गू का हुआ है। हाँ यार झिंगुर, अब क्या करें, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। झिंगुर और मोटू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हड़बड़ाहट में पेड़ की डाल टूट जाती है और झिंगुर और भोंदू नीचे गिर जाते हैं। अरे माँ लग गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे बाबा रे, अरे इस डाल को भी अभी टूटना था, मेरी गर्दन ही टूट गई। अयो रामा, ये सब रामू काका देख लेते हैं। ओ अच्छा, तेरे दोस्त भी तेरे साथ आए हैं, कोई बात नहीं, सबको बराबर प्रसाद मिलेगा। अले बताओ, ले बताओ, कोई तो मुझे लामू ताता थे, बताओ बताओ। अरे रामू काका छोड़ दो, अब कभी नहीं आएंगे तुम्हारे बगीचे में। ये सब दूर से मोटू देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था।